धरमजयगढ़ के शापुरमांड नदी में बीते कल शापुर निवासी लठीराम लकड़ी लेने जाने के दौरान नदी के तेज बहाव में बह गया था, जिसकी खोजबीन लगातार एनडीआरएफ की टीम व पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन देर रात हो जाने की वजह से रेस्क्यू टीम को युवक की तलाश में परेशानी हो रही थी, लिहाजा खोजबीन जारी थी। आज करीब 1 बजे नदी में बहे लठीराम सारथी की लाश खड़गांव के डोंगा घाट के पास नदी में तैरती हुई रेस्क्यू टीम को मिली, जिसे रस्सी से बांधकर पानी से बाहर निकाल लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें यह घटनाक्रम कल दोपहर का है, जब शाहपुर निवासी लठीराम सारथी अपने 3 साथियों के साथ मांड नदी पार कर लकड़ी लेने जंगल की ओर जा रहे थे। उसी दरमियान उसके 3 साथी जैसे तैसे नदी पार कर गए, किंतु वहीं लठीराम पानी की तेज बहाव में बहकर नदी में गुम हो गया था। पुलिस व परिजन को उसके 3 साथियों द्वारा तत्काल घटना की जानकारी दी गई थी, जिस पर आला अधिकारियों के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम एवं धरमजयगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर सरगर्मी से युवक की तलाश में जुट गए थे। बहरहाल शव मिलने के बाद पुलिस आगे की आवश्यक कार्रवाई कर रही है। धरमजयगढ़ से शेख आलम की रिपोर्ट।